और आज हम करने वाले हैं 10 बहाने 2.0। अच्छा मतलब भी पहले आ चुका है 2015 में, 2005 में आया था। दस मूवी थी सही पांच में आई थी मूवी। अभिषेक था और उसमें साथ में जाहिद खान था। 10 मूवी का और आई थिंक अभिषेक मर जाता है ना इस मूवी में। हाँ ऐसा ही था, और संजय दत्त भी था साथ में। हाँ बहुत अच्छी मूवी भी रही थी, मैंने देखी। मतलब जो स्टाइल था ना, मतलब काफी अच्छा, संजय दत्त का ज्यादा अच्छा मुझे स्टाइल लगा था। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी उनसे, खासकर उस गाने से, उस मूवी से बहुत अच्छी मेमोरीज एसोसिएटेड है। मतलब काफी पहले था, ऑलमोस्ट सारे गाने अच्छे थे उसके, सारे गाने तकरीबन अच्छे ही थे। मूवी का नाम तो पढ़िए, इसमें गाने का नाम है, फिल्म का नाम ही दस था और उसका टाइटल सॉन्ग था दस। वो बिल्कुल गाने लेकिन एंड में आता है फिल्म के, हालांकि इतना अच्छा गाना था वो फिल्म के बीच में लेकिन एंड क्रेडिट्स में आता है, पर वो बहुत बड़ा हिट था। मूवी याद आती जा रही है कि शादियों की उसमें रिया मिर्जा की ये था उसमें। यार असल में टाइटल ये लोग ऐसे लेके आ रहे हैं ना कि ना याद आती जा रही है पुरानी मेमोरी का, ये लोग रिफ्रेश करते जा रहे हैं एंड दैट्स गुड कि पुरानी चीजों को भी याद कर दिला रहे हैं। कुछ रीमेक्स में मुझे जो चीज अच्छी नहीं लग रही थी ना, वो ये था कि रीमेक्स हो रहे थे लेकिन वो क्या था, मतलब वो या तो सिंगर चेंज हो रहे थे या तो वो था वो रेलेवेंट नहीं लग रहे थे। लेकिन के और शान खुद गा रहे, और जैसे वो जैसे बॉडी में अगर आपने देखा था तो इमरान हाशमी का ही गाना था, उसी के उस पर आया गया था, तो वो फिर चीज पर भी बेहतर लगती है। पर इस बार तुलसी कुमार साथ में है और साथ में विशाल है। हां विशाल शेखर है। बहुत अच्छा गाया हुआ है जिन्होंने गाया, और काफी ज्यादा अच्छे दस बहाने करके ले गया दिल, बस यही लिरिक्स तो वही है, हाँ सब कुछ वही है। दोनों का डांस और डेफिनेटली यार टाइगर श्रॉफ का डांस अमेजिंग, मतलब इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। मतलब इन जब मैं टाइगर श्रॉफ को देखती हूँ मुझे बिल्कुल एक तरह से वो ऋतिक का ना स्टार्ट याद आता है मुझे, कि जो इन्होंने इतना अच्छा किया था डांस, मजा आया। यस काफी चीजें याद आ गई।
मूवी याद आ रही है ऐसे ओरिजिनल की तो बात ही अलग है ना. वैसे दोबारा से जिन लोगों ने रीमेक करके बनाया है तो वो एंड वो वही होगा ना एग्जैक्टली. सब फैंस तो वही होंगे ना, बोलेंगे नीचे ये वो अच्छा था वो ना सुनेंगे ये मजबूर हो गए क्या. फिर भी 2005 में आया था और अब जाकर आया है ये गाना तो काफी ज्यादा. एक तो लोगों तो भूल गए होंगे पर जो 10 बहाने जो टाइटल जो नाम है ना वो तो सबके याद है. वैसे इसमें फायदा ही हो जाता है, एक तो ये जो रीमेक करते हैं उसमें व्यूज आ जाते हैं, पुराने गाने को भी लोग सर्च करके देखते हैं दोनों के व्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए किसी को मसला ही नहीं होता. पर क्या इनके बहुत फास्ट हुए मतलब मैंने जितना देखा है ना तो आराम से लाइक अभी भी 25 मतलब अभी भी चल रहा है. मतलब वो तो अभी जाकर हुए होंगे 3-4-5 साल बाद, पर ये जो अभी जाकर इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं. अच्छा फिर कमेंट नीचे ये आएगा who's listening in 2020. क्या करें और उसी कमेंट में पता नहीं 3-4 हजार लाइक्स भी आ रहे होते. So, overall, बहुत अच्छा था, हमें भी enjoy किया, hope आप लोग ने भी enjoy किया होगा. तो guys, please, अगर आप लोग हमारे ये reaction अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना मत भूलना और bell icon जरूर press करना. So, love is.